26 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हो रही है और पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। सभी मैच महाराष्ट्र में होंगे। हालांकि कोविड नियमों का पालन भी किया जा रहा है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए आईपीएल के आगाज पर ये खास रिपोर्ट। कोविड काल में न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया बल्कि भारत में क्रिकेट के महाकुंभ इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल पर भी कोरोना नियमों की बंदिशों का दौर चला। लेकिन अब महामारी ढलान पर है और हालात पहले से काफी बेहतर। 26 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग का पहला मैच खेला जाएगा, जिसमें आमने सामने होंगे पिछली बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स। भारत में मनाए जाने वाले क्रिकेट का ये सबसे बड़ा त्योहार इस साल इसलिए भी खास है क्योंकि लोग स्टेडियम में जाकर मैच को देख सकेंगे। इस साल मुंबई और पुणे में ही इंडियन प्रीमियर लीग के सारे मैच खेले जाएंगे। हालांकि लोगों को कोविड के खतरे से सुरक्षित रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ 25% क्षमता की ही अनुमति दी है। साथ ही खिलाड़ियों को भी बायो बबल में रखा जा रहा है जिससे उन्हें कोविड के खतरे से दूर रखा जा सके। मुंबई के लोगों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि इस साल सबसे ज्यादा मैचेस मुंबई और महाराष्ट्र में होने वाले हैं, जिसकी तैयारी पूरी तरीके से कर दी गई है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर सबसे पहला मैच खेला जाएगा 26 तारीख को केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स में। और इस साल सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे अच्छी बात यह है कि जो तीन प्रमुख स्टेडियम्स हैं मुंबई के, वहां पर मैचेस खेले जाएंगे। महाराष्ट्र में मैचेस खेले जाएंगे, 70 के 70 मैचेस जो हैं वो महाराष्ट्र में होंगे। 15 मैचेस पुणे के स्टेडियम में होंगे, 15 मैचेस सीसीआई स्टेडियम में होंगे, 20 मैचेस वानखेड़े में होंगे और बाकी के जो 20 मैचेस है वो भी मुंबई के स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। तो इस साल मुंबई के लोगों के लिए खुशखबरी ये भी है कि 25% कैपेसिटी के साथ जो ऑडियंस है, जो प्रेक्षक है, वो स्टेडियम आ सकेंगे और कोविड प्रोटोकॉल के साथ जो है वो मैच को एंजॉय कर पाएंगे। मुंबई के तीन बड़े स्टेडियम्स में 55 मैच खेले जाएंगे। वानखेड़े स्टेडियम में 20 मैच खेले जाएंगे जहां 9,800 से 10,000 दर्शकों की इजाजत होगी। डीवाई पाटिल स्टेडियम में 20 मुकाबले होंगे जहां 11,000 से 12,000 दर्शक जा सकते हैं, जबकि ब्रेबोर्न स्टेडियम में 15 मैच खेले जाएंगे जिसे स्टेडियम में जाकर 7,000 से 8,000 लोग देख सकेंगे। इसके अलावा पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में आईपीएल के 15 मैच होंगे जहां 11 से 12,000 दर्शकों की इजाजत है। मुंबई में आईपीएल का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन पुलिस भी अपनी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है। कुछ दिनों पहले से ये खबर फैल गई थी कि आईपीएल के दौरान आतंकी हमला हो सकता है और आतंकियों ने मुंबई के ट्राइडेंट होटल और वानखेड़े स्टेडियम के रास्ते की रेकी भी की, लेकिन बाद में मुंबई पुलिस ने इसे अफवाह बताकर इसका खंडन किया। मुंबई पुलिस न सिर्फ स्टेडियम बल्कि जिन होटल में खिलाड़ी रुकेंगे वहां भी सुरक्षा के कई स्तरों को तैनात किया गया है। के कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा कि कुछ आतंकवादी लोगों ने हमले की संभावना रखी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने क्लैरिफाई किया है कि ये सभी रिपोर्ट्स गलत है। ऐसा पहले बताया जा रहा था कि दो लोगों को पकड़ा गया है जो एटीएस के द्वारा उन्होंने उनसे पूछताछ की है और तब पता चल पाया है कि वो वानखेड़े स्टेडियम से लेके जो ट्राइडेंट होटल नरीमन पॉइंट है जहां फिलहाल चेन्नई की टीम रह रही है वहां के बीच का जो रूट है वहां पे उन्होंने रेकी कंडक्ट करा था। लेकिन दिलीप वलसे पाटिल जो कि महाराष्ट्र के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बताया है विधान भवन में, कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सारे रिपोर्ट गलत है। दो साल से कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी ज्यादातर प्रतिबंधों को हटाने का सरकार ने फैसला किया। अब केवल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े नियमों का पालन करने की शर्त ही लागू रहेगी। इन प्रतिबंधों के हटने से हॉस्पिटैलिटी समेत एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में फिर से बाहर आने की उम्मीद है। करीब दो साल बाद 31 मार्च से सरकार ने कोविड से जुड़े सभी प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। अब केवल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही जरूरी होगा। जानकारों का भी मानना है कि अब कोविड-19 के मामलों में कमी आने और संक्रमण के धीमा पड़ने से कोविड से जुड़ी सख्ती को हटाना जरूरी है। सरकार के इस कदम के बाद उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू कर देगी। हालांकि इन पाबंदियों को हटा लेने के बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इनके मुताबिक अगर किसी क्षेत्र में 10% से ज्यादा संक्रमण दर है या ऑक्सीजन के सहारे वाले या आईसीयू बेड्स 40% से भरे हैं तो उन्हें जरूरी पाबंदियां लगानी चाहिए। इसके साथ सरकार टेस्ट करने, ट्रेस करने, ट्रीट करने, टीका लगाने और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने की रणनीति पर जोर दे रही है। हालांकि पाबंदियों के हटने से अब अर्थव्यवस्था को फायदा मिलने की उम्मीद है, खासकर जिस तरह से होटल एंड टूरिज्म सेक्टर ने मार्च मई में होटल बुकिंग के
प्री कोविड स्तर से पार निकलने का अनुमान जताया है। उससे ये सेक्टर और फूड इंडस्ट्री बेहद उत्साहित है। अब होता यह है कि 100 करोड़ टीकाकरण हो जाने से और सरकारों की ट्रेस टेस्ट ट्रीट और टीकाकरण की जो नीति है उससे यह देखा जाता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस एंथुसियाज्म डेवलप होता है और हर्ड इम्यूनिटी का भी डेवलपमेंट हो जाता है। तो वहीं पर देखा गया कि मार्च से मई की जो तिमाही है 2022 के अंदर वहां पर प्री कोविड स्तर से ज्यादा होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर बुकिंग के रुझान आते हैं, जिसका कि सीधा सीधा तालमेल इसी बात से बैठता है कि अब लोगों में वो डर नहीं है और लोग अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, एक्सपोजर लेना चाहते हैं, एंड दिस इज अ गुड न्यूज फॉर होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने सामाजिक खेलकूद मनोरंजन अकादमिक सांस्कृतिक धार्मिक त्योहार संबंधी और दूसरी सोशल गैदरिंग को कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ आयोजित करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा स्कूलों कॉलेजों में ऑफलाइन क्लास शुरू करने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन स्कूलों को पढ़ाई लिखाई के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके अपनाने की छूट है। इन पाबंदियों के हटने से वेडिंग इंडस्ट्री मॉल सिनेमा हॉल समेत हर जिम स्पा स्विमिंग पूल वगैरह को भी फिर से कारोबार में लौटने का मौका मिलेगा। आज तक ब्यूरो। यूपी में आज योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। योगी की ताजपोशी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो वहीं कार्यकर्ता और जो समर्थक है वो पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे और ये शपथ समारोह शाम 4 बजे होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से पहले कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, गीत संगीत और पूजा पाठ का दौर भी जारी है। तो शानदार तैयारियां की गई हैं। हालांकि इससे पहले देखिए मंदिरों में पूजा पाठ होता हुआ भी नजर आया। जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं और वो जो गाना कि आएंगे तो योगी जी ही, जो चुनावों के वक्त से सुनते आ रहे हैं, इसकी धुन आज समझिए और तेज होती हुई, क्योंकि हर तरफ तैयारियां तो जोशों से की जा रही है। निमंत्रण दिया गया है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सोनिया गांधी हो, मुलायम सिंह हो, सबको निमंत्रित किया गया है और पूरी तैयारियां भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। कई रिकॉर्ड भी यहां पर टूटने वाले हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ कल बेहद भावुक नजर आए जब विधायक दल की बैठक के बाद उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। हालांकि उन्होंने आभार जताया। आज जो मंच तैयार हुआ है, जो तैयारियां हुई है उसको देखते हुए ये साफ है कि आगे की क्या रणनीति रहने वाली है योगी 2.0 सरकार की, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि वो सारे मुद्दे जो एंटी इनकम्बेंसी बताए जा रहे थे, जिन पर काम करना और फोकस करने की बात बीजेपी अपनी दोहरा भी रही है, उन सबको यहाँ पर भी शामिल किया गया है। इन्हीं नारों के साथ पूरा शहर पटा हुआ है। शपथ ग्रहण है, शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होना है। पहले तैयारियां कर ली गई हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित, जश्न की अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जहां एक तरफ जश्न वहीं दूसरी तरफ जो उनके समर्थक हैं वो मंदिरों में मौजूद है, पूजा पाठ अर्चना करते हुए लोग तस्वीरों में दिखते नजर आ रहे हैं। कल लोक भवन में भाजपा के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की मौजूदगी में विधायक सुरेश खन्ना ने इसका प्रस्ताव रखा। 5 वरिष्ठ विधायकों ने समर्थन किया। सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने योगी को नेता बनाए जाने की सहमति दे दी। आज शपथ ग्रहण का भव्य कार्यक्रम रखा गया है। पिछले बार से भी ज्यादा भव्य कार्यक्रम की तैयारी इस बार बीजेपी की है, इसलिए पूरा रास्ता योगी और मोदी के पोस्टरों से पटा हुआ है। भव्य तैयारी, निमंत्रण दे दिए गए हैं। अब देखना है कि जिनको निमंत्रण पहुंचा है, कौन कौन से वो चेहरे हैं, दिग्गज हैं जो पहुंचते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। 37 साल बाद यूपी में भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता संभालकर इतिहास रच रहे हैं और आज कई मेहमान वहां पहुंचेंगे, इसके साक्षी भी बनेंगे।